निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ओरछा जंगल में जानवरों की हड्डी बीनने वालों ने चौकीदार की हत्या की है। दरअसल बीते दिनों ओरछा अभयारण्य क्षेत्र के जंगल में सिंहपुरा गांव के पास की गई वन विभाग के चौकीदार की हत्या के मामले का SP आरोप कुमार सिंह ने खुलासा कर दिया है। चौकीदार की हत्या दो सगे भाइयों ने जंगल में जानवरों की हड्डी बीनने के विवाद पर की थी। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग का चौकीदार वृंदावन यादव उनका वीडियो बनाकर पैसे मांगता था। विगत 18 जून को किसी बात को लेकर उनका चौकीदार से विवाद हुआ, जिसके चलते उन्होंने उसके सर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। ये पिछले महीने की 18 जून को सिंहपुरा जंगल ओरछा में एक वृंदावन यादव निवासी सिंहपुरा की शव मिली थी, जिसमें से बारीकी से निरीक्षण करने पर पाया गया कि पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई है, जिस पर आगे विवेचना की गई। थाना ओरछा में अपराध दर्ज करके और विवेचना के दौरान ये पता चला कि कुछ लोग जंगल में मृत जानवरों की हड्डी बीनने आते हैं, जिसकी मृतक द्वारा वीडियो बना करके चालान बनाने की बात कही गई थी, जिससे कि दोनों आपस में विवाद हो गया था। उस विवाद के कारण आरोपी वसीम एवं अजीम, जो कि हड्डी निवासी खैलार जिला झांसी के रहने वाले हैं, ये हड्डी बीनने यहाँ सिंहपुरा जंगल में आते थे। इन लोगों ने उसको विवाद पर से धोखे से पीछे से पत्थर मार करके हत्या कर दी और मृतक की मोबाइल इनके कब्जे से और अन्य मृतक के अन्य सामान इनके कब्जे से बरामद कर लिया गया है और आरोपीगणों को अरेस्ट करके और जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। पृथ्वीपुर से प्रशांत रजक की रिपोर्ट।